दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक यह है कि अगर आपकी बाइक में बार बार ऑयल सील लीकेज हो जाए तो आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, वो आप ट्राई कर सकती हो। तो आप देख सकते हो इन हाइड्रोलिक पर जो शॉकर पर लगभग 10 से 15 दिन पहले ये ऑयल सील नया डाली थी और उसके बाद भी ये लीकेज हो रहा है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है आपको दिखाता हूँ खोलकर और लगाना भी दिखाऊंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो घंटी के आइकन होती है उसको भी दबा दीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमने इस हाइड्रोलिक को ओपन कर लिया है और जो आपको ध्यान देना चाहिए, ये जो इधर लॉक बैठने का जो घाट होती है चूड़ी बैठने का, इधर को आपको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको लगाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी है। और दूसरा जो स्टेप है आपको मैं बताता हूँ, पहले पूरी तरफ से इसको वॉश कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने ये डायमंड का ऑयल सील लेके आए हैं। तो अब जो आपको काम करना पड़ेगा इसमें ही नहीं, ऑयल सील में ही काम करना पड़ेगा। तो आपको खोलकर तब दिखाते हैं कि क्या करना पड़ेगा जो आपकी मोबिल लीकेज होने का, मतलब माफ़ कीजिए, ऑयल लीकेज होने का जो प्रॉब्लम होती है वो आपको एकदम से सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो हमने इसको भी काट लिया। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देने की चीज़ है, ये देख सकते हो यहाँ पर जो अंदर जो स्प्रिंग होती है, दिखा परीक से, अंदर की जो स्प्रिंग होती है इसको हमने निकाल लिया है। और निकलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या करना पड़ेगा स्प्रिंग के साथ आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्प्रिंग की जो जॉइंट होती है तो इसको हमने खोल लिया है और जो थोड़ी स्प्रिंग को हम काट देंगे, काट करके उसको लगाएंगे, छोटा कर लेंगे काट करके, तब आपको लगाते दिखाते हैं। तो हमने इसको कैंची की मदद से काट के थोड़ा छोटी कर लिया है, देख सकते हो इतनी सी बराबर हमने काट लिया है और इसे फेंक दूंगा। उसके बाद इसको लगाते हैं और स्प्रिंग को भी बैठा दूंगा ऑयल सील पर ही, तब आपको लगा कर दिखाते हैं। देख सकते हो हमने घुमा घुमा कर लगा दिया है स्प्रिंग को, अब ऑयल सील पर बैठाते हैं। तो जिधर का मैंने खोला था स्प्रिंग उधर ही हम लगाते हैं इसको। तो देख सकते हो थोड़ा टाइट टाइट जा रहा है अंदर की तरफ। तो देखो मैंने बैठा दिया है, अब इसको लगाएंगे, नई ऑयल सील हाइड्रोलिक पर लगाएंगे। और दूसरा वाला जो स्प्रिंग है इधर का भी हम थोड़ा सा छोटी कर देंगे काट कर। तो इधर को भी मैंने खोला है स्प्रिंग, जो हमने इधर का भी स्प्रिंग खोल लिया है, अब इधर का भी थोड़ा काट लेंगे। और हम लोग वीडियो तभी बनाते हैं, पहले हम ट्राई करते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी अनुभव है आप लोगों को मैं बताना चाहा। अगर मेरे बातों पर या कामों पर कुछ गलती होगी तो माफ़ कर दीजिए ना, क्योंकि मैं बहुत आप लोगों से छोटा हूँ। स्प्रिंग को भी बैठा दिया है, देख सकती हूँ ये स्प्रिंग को भी बैठा दिया है और दूसरा साइड का जो स्प्रिंग होती है ऑयल सील की उधर का भी बैठा दिया है, देख सकते हो यहाँ पर। अगर आपकी हाइड्रोलिक पर खर्च जरा सी भी ना हो तो 100% ये सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कई गाड़ियों पर ट्राई किया है। उसके बाद आप लोगों को वीडियो बनाते हैं दिखाते हैं कि जो भाई साहब नए काम सीख रहे हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी जानकारी होगी। और जिन भाई नई गैरेज खुला है उसके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो अगर मेरे चैनल पर आप लोग नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको हाइड्रोलिक ऑयल सील भी बैठाना दिखाता हूँ कि कैसे बिठाते हैं, अच्छी तरीका होती है। और जब भी आप हाइड्रोलिक ऑयल सील बिठाएं तब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ऑयल सील बिठाने का जो रेंच होती है, पोलर होती है, उसी का यूज़ करें, कोई बियरिंग या दूसरा कोई चीज़ लेकर आप बिठाना नहीं चाहिए। तो आपको हाइड्रोलिक ऑयल सील भी बिठाना कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने इस ड्रम के अंदर इस पाइप को डाल दिया है और उसके बाद आती है जो ये नट, एलन की नट होती है 6 नंबर की जो नीचे की तरफ लगती है। तो उसके विषय का आपको ध्यान देना चाहिए, ये जो वॉशर होती है कॉपर की वॉशर,
तो आपको ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि ये जो कॉपर की वॉशर रहती है लीकेज ऑयल लीकेज ना होने के लिए ही लगा रहता है। तो आप इसको ज़रूर लगाइए, कॉपर के ही लगाइए। तो उसे लगाने के समय पे थोड़ा सा रेसी मोड देख के इसको लगाते हैं, तो आपका जो है 100% ये इधर से भी लीकेज नहीं होगी। तो हमने इस पाइप को भी लगा दिया है और ऑयल सील को डालते हैं, तो हमने ऑयल सील को भी डाल दिया इधर से। तो इसको हमने डाल दिया ऑयल सील को। तो हमने हल्के हाथों से ऑयल सील को बैठा लिया। और ये जो होती है पोलर, हर गाड़ी के लिए अलग अलग सी आती है, तो ये सुपर स्प्लेंडर का ही मैं यूज़ करूँगा। तो इसको हम अंदर से डाल देते हैं और ऐसे चोट मार के जो है आप देख सकते हो फिर यहाँ पर बैठ गया है एकदम आसानी से, और करके चोट मार के आप देख सकते हो यहाँ पर बराबर से बैठ गया है। करीब से दिखाओ, एकदम बराबर से बैठ गया है। उसके बाद हम लॉक को लगा देते हैं और ये देख सकते हो ये जरा से भी ऑयल लीक नहीं होगी।